दोस्तों अभी के बज चुके हैं 5:43। सुबह का मौसम बस अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन नजारा है झील का। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूँ अभी पर अरुणाचल में। तो फिलहाल हमने यहीं पे सोए हुए थे, यहाँ पे देखो ये हमारा बिस्तर बिछा हुआ था और कुछ इस तरीके से सीन है बाहर का। बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू लग रहा है सुबह सुबह। मुंह हाथ भी नहीं धुलता और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा भूत सवार हो गए। तो चलते हैं, पहले अभी तो थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर मैं मुंह हाथ धुलेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और यहाँ पे देखो एक्सपेक्ट रेन अराउंड 8 AM, कोमसिंग में 8 बजे के पास पानी बरस सकता है। वैसे अपन चलते हैं सिर्फ पहले नहाने, क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं और 1 घंटा नहाएंगे धुलेंगे, सारा काम खत्म करते करते 8:30 बजे जाएंगे, तो 9 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। अभी सुबह सुबह का कुछ इस तरीके से प्यारा व्यू है, मैंने वहाँ पे सोया हुआ था और अभी मैं सोचा चलो आप लोगों को एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। तो देखो वहाँ पे शाम को ना पूरा बादल से भर जाता है यार, ये इसके अंदर भी बादल आने लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। डेंजरस नहीं इसको बोल सकते हैं, अच्छा। तो आप हमारे पीछे भी देख लो, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है। और कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी यार, उसका भी थंबनेल बनाना है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ उसका थंबनेल बना लेता हूँ, नहीं तो वो शाम को वीडियो पोस्ट भी करनी है उसकी, क्योंकि हमारी वीडियो आती है 9 बजे रात में। मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया है। अरुणाचल में खाना खाया जाता है, मैं बहुत दिन से खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे जो चिकन वगैरह बनते हैं या तो कुछ भी बनता है तो बिल्कुल हेल्दी खाना बनता है, ये चीज मैंने बहुत गौर किया है। तो हेल्दी खाना आ गया है, फिर भी ये है सोयाबीन, ये है राइस और ये दाल। मैं खाना खा के फिर निकलता हूँ यहाँ से यार, अब बज रहे 9। तो अभी अपना निकलने का टाइम हो गया भाई साहब, यहाँ से जहाँ पे हम रुकते हैं फिर अगले दिन हमको वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, हम तो एक जगह पर नहीं रुक सकते ना। तो आज का सफर है आलू की तरफ और आलू जाना है, लेकिन फिर भी हम आराम आराम जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे, 30 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, लेकिन फिर भी हम 1-2 किलोमीटर भी पैदल चलेंगे, क्योंकि सुबह का मौसम थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो बाय बोलते हैं यार, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे, मैंने छोटू था तो उसको पहले ही बाय बोल दिया कि अपने पापा को बोल देना कि हम जा रहे हैं। यार बहुत ही प्यारा घर था यार, बहुत अच्छे लोग थे। तो कल शाम को भी खाना पीना खिलाया, सुबह भी खाना पीना चाय नाश्ता, दिल खुश हो गया, मजा भी आ गया। और फिलहाल होते रहते हैं यार, अरुणाचल का बात ही अलग है, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो हमारा डेली का काम है। ये है भाई साहब एक छोटा सा गांव और बहुत ही प्यारा गांव है, लेकिन गांव की डिजाइन देखो, यहाँ पे 10-12 घर ही है सिर्फ और कोई है ही नहीं। गांव वालों यहाँ पे घर कैसे बने हुए हैं, RCC से छत ऊपर देखो ऊपर बने हुए हैं, रहने के जगह है ना वो ऊपर है और नीचे बांस देखो कैसे लगा के रखे हुए हैं। तो जैसे यार यहाँ पे घर देखो, एक घर इधर है तो दूसरा घर वहाँ पे इतनी दूर पे है, तीसरा घर वो वहाँ पे है, ऐसे जगह पे अगर आपको कुछ मार्केट में सामान वगैरह लेना हो तो आप कहाँ पे जाएंगे, दूर जाना पड़ेगा 10-20-50 किलोमीटर ना, इसलिए यहाँ पे एक मार्केट लगता है जो कि देखो ये मार्केट है। और मार्केट भी देखो भाई बिल्कुल छोटा सा रहा है, इसको ऐसा मार्केट के जैसा बना दिया है। और ये देखो वेस्ट साइड मार्केट शेड शोंग भाई शांग डिस्ट्रिक्ट का ये मार्केट है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट वगैरह लगता है, क्योंकि गांव में तो है ही नहीं कोई, और है भी तो 3-4 एक घर में रहते हैं 2 लोग और एक घर यहाँ पे तो दूसरा घर 100 मीटर की दूरी पर। वो देखो वहाँ पे सामने एक गांव दिख रहा है छोटा सारा, वहाँ पे 10-12 घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गाँव होगा, उसको भी अगर हम गूगल में देखेंगे तो कोई ना कोई छोटा सा गाँव दिख ही जाएगा। और फिलहाल मैं अकेले चलते चला जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं यार, कोई आता ही जाता नहीं है, चारों तरफ झील झील है। इधर भी व्यू दिखेगा आपको अच्छा और इधर भी व्यू अच्छा दिखेगा, लेकिन कैमरे में अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का व्यू देखो आप लोग को कैसा लग रहा है, वो सामने एक नदी बह रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और इसको यहाँ पे अरुणाचल में सियांग बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था, तो जूम करके दिखा दो तभी मालूम चलेगा। ये देखो ये वाली जो नदी बह रही है ना इसको सियांग बोलते हैं, और यहाँ का देखो व्यू पॉइंट कितना गजब का लग रहा है। और यहाँ पे फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे देखो आप कर रहे हैं कटाई वगैरह, तो यहाँ पे खेती हो रही है मेरे हिसाब से अगर आप समझोगे तो। तो फिलहाल मैं अपना यार मैप लगा लेता हूँ, तो ये देखो भाई हमने मैप लगा लिया है, यहाँ से देखो 30 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 26 मिनट का रास्ता है, फिर भी यहाँ से 3 घंटा लग जाएगा क्योंकि रास्ता है जो बहुत ही बेकार है। तो वैसे भी आज संडे है और हमको बनवाना है आलू में चल के ILP, जब ILP बन जाएगा तो अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर हम कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अरुणाचल में आओगे तो आपको एक ILP होना जरूरी है यहाँ घूमने के लिए, कोई इंसान ही नहीं है, इधर भी कोई नहीं आ रहा है, इधर भी कोई नहीं आ रहा है। तो ये नदी हमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही यार, कहीं पे जाके इतनी ज्यादा चौड़ हो जाती है कि 5 किलोमीटर के चौड़ान हो जाती है, और कहीं पे आके इतने 100 मीटर का भी चौड़ान नहीं रहता। तो वो वहाँ पे देखो एक रोड गई हुई है, तो वो रोड पे मुझे जाना है और फिलहाल मैं ये रोड पे हूँ। तो यहाँ से होके मैं यहाँ पे आया, देखो ये रोड ये पानी की वजह से ना ये बिल्कुल धस गया यार, ये खाई ने गिर भी सकता है, भसम हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ का आने जाने का रास्ता बना है। तो अगर मुझे होके वहाँ पे जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ से हिचहाइक भी अभी लेना नहीं चाहता यार, एक बंदे ने मुझे आकर पूछा कि आप कहाँ जाओगे, चलो मैं
तुमको छोड़ दूं। तो मैंने बोल दिया यार अभी मैं हिचहाइकिंग नहीं करना चाहता, मैं एंजॉय करना चाहता हूं, क्योंकि आलू सिर्फ 30 किलोमीटर है तो आज शाम तक पहुंच ही जाएंगे, अगर कैसे भी करके हम पहुंच ही जाएंगे यार, अगर हम पहुंचना चाहेंगे तो। ये देखो ये ना ट्रक जा रही है, यही वही है, ये इधर से घूमते हुए जाएगी वहां से, फिर वहां से होके आएगी। यहाँ पे अगर आप न्यूट कर दोगे गाड़ी को, बंद कर दोगे ना, फिर भी गाड़ी आपको आपके जगह तक पहुंचा देगी, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं बिल्कुल। डबल ए एल ओ आर लो 24 किलोमीटर। भैया ये रेस्टोरेंट है क्या पास में कहीं? रेस्टोरेंट तो नहीं है। चाय पानी का कुछ भी नहीं है? बहुत दूर हो गया। तो भाई साहब मैं यहाँ पे बैठे बैठे 15 से 20 मिनट बैठे थे, और अभी के टाइम हो चुके हैं, आपको एक बार दिखाता हूँ, 10:22 हो चुके हैं, और मैंने मैप सेट कर लिया, 27 किलोमीटर है, 1 घंटा 21 मिनट का रास्ता है ये फोर व्हीलर से या तो जो गाड़ी से, और अपना ये भारत यात्रा का ट्रेवल एंड लिफ्ट प्लीज निकाल लिया हूं मैं, और बैग है। तो अब मुझे शायद लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मेरे कपड़े से यार मैंने सुबह ही नहाया था, इसमें छोटे छोटे पता नहीं कीड़े घुस गए यार, कि वो कांटे वगैरह घुस गए, काट बहुत रहे यार। बगल में नदी है लेकिन नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो नदी में भी नहीं नहा सकते हम, क्योंकि ये जगह बहुत थोड़ा ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे आसपास होटल वगैरह नहीं है, और अगर मुझे भूख लग गई तो फिर मुझे खाना भी नहीं खा पाऊंगा, और फिर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, तो मेरा रूल भी टूट जाएगा ही चेकिंग वाला। रास्ते देखो कितने ज्यादा बेकार है, और यहाँ पे अगर हम पैदल भी चलेंगे तो पैदल भी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है मेरे जूते भी बेकार हो जाए, और धूप भी बहुत ज्यादा तेजी है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। माल लोड वाली गाड़ी मिल जाए वही हमको ड्रॉप करा सकती है, वरना मोटरसाइकिल वाले तो बहुत ही कम हो सकता है, कोई लिफ्ट दे दे। तो यहाँ पे देखो यार वो ऊपर है ना, ऊपर रोड है, और रोड होते हुए उधर से जाती है, इधर से होके आती है। ये देखो पत्थर की कटाई हो रही है, मतलब यहाँ पे बारिश वजह से ना सारे टूट टूट के गिरे हैं, और जो गिर नहीं रहे उसको काट के गिराया जा रहा है, और उधर से होते हुए यहाँ पे आओगे, यहाँ से नीचे नदी बह रही है। लेकिन ये रास्ता है, अगर हम पैदल जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, जाने के लिए रास्ता था लेकिन जा नहीं पाएंगे, और अगर गलती से चले भी गए ढलंग कर लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो पानी तो गंदा है, पीने लायक नहीं है, और मेरे पास पानी भी नहीं है। तो मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से मुझे कुछ रास्ते में मिल जाए यार खाने पीने के लिए। गर्म इतना ज्यादा यार पहाड़ी एरिया में, इतना बताओ, बगल में नदी है, मौसम भी ठंडा लेकिन गरम उतना ही है, धूप नहीं है, फिर भी कोई आ ही नहीं रहा है पीछे से, रास्ते ऐसे ही हैं उबड़ खाबड़। और फिलहाल पानी तो मिल गया पीने के लिए, लेकिन बोतल भी नहीं है हमारे पास, जैसे तैसे करके पानी पी लेते तो कुछ देर के लिए राहत मिलेगा, फिर नहीं तो मुश्किल है, खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा लेकिन पानी पीना पड़ेगा। ये देखो पानी झरना सा होता हुआ वाटरफॉल बन के आ रहा है, पानी इधर से पी लेते हैं, वैसे नहा भी सकते हैं, लेकिन नहाया तो मैं सुबह ही था यार पेड़ के नीचे, लेकिन रास्ते इतने ज्यादा बेकार हैं, और भैया बोल रहे थे कि आगे चल कर और भी बहुत ज्यादा रास्ते बेकार है, तुमको जूता उतार के हाथ में लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जाना पड़ेगा, और 24 किलोमीटर आपको इसी जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको ना कोई आपको लिफ्ट देगा, मोटरसाइकिल वाला नहीं देगा, फोर व्हीलर वाला दे सकता है, और ना तो आपको कोई दुकान मिलेगी। तो मैं 24 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा हूँ, ना तो मेरे पास कुछ खाने को है ना तो पीने को है, और यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े आगे पीछे घूम रहे हैं, ये गंदगी की वजह से, ये सब बारिश के होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये सब रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, अगर फिर ज्यादा बारिश हो जाएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, पानी अगर बरस गया फिर भी दिक्कत, नहीं बरसा फिर भी दिक्कत, अगर बरस गया तो फिर छिपने की जगह नहीं है, नहीं बरसा तो धूप की वजह से चल नहीं सकोगे। रास्ता तो देखो देख लिया भाई कितना ज्यादा बेकार रास्ता यहाँ का, ये नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ऐसे हो जाते हैं जब ज्यादा बारिश वगैरह हो जाए तो। पीछे देखो यहाँ से ट्रक गई है, ये देखो कितना फीट होगा यहाँ से, 3-4-5 फीट होगा, और यहाँ से अगर यहाँ पे रास्ते से ये रास्ते से हो पहिया आ गई है, और जब रास्ते पहाड़ के किनारे होते तो फिसलने की भी डर होता है, अगर थोड़ा से भी फिसल जाता है तो ये सीधा नीचे जाएगी और खाई में, तो फिर ड्राइवर का तो काम खत्म हो जाएगा, और गाड़ी का तो क्या होगा वो भी नहीं पता। उधर देखो बहुत तेज बारिश हो रहा है, अब अगर इधर भी हो जाएगा तो फिर मैं तो भीग जाऊंगा, और फिर मुझे 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से मौसम और बारिश होते हैं भाई साहब, ये बारिश का धुआं है पता नहीं, लेकिन वो बहुत तेज रहा है, मुझे डर लगने लगा है, तो यार बारिश बहुत ज्यादा, और इसलिए मैं लौट रहा हूँ,
आलू तो जाऊंगा लेकिन अभी तो लौट रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये इस रास्ते में हिचकिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और फिलहाल अगर कोई हिचकिंग वाली गाड़ी भी मुझे वहाँ तक पहुँचने तक में इधर से जाएगी, मैं लिफ्ट मांगूंगा, अगर मिल जाएगी तो उससे निकल जाऊंगा। आप लोगों को बात बताना भूल गया कि मैं पीछे 1 किलोमीटर फिर से आया और ये देखो मेरा लिफ्ट प्लीज पूरा कचड़ा हो गया, गिर गया था यार। मैंने इसको मैंने बैग और अपने पीठ के नीचे पेट पे छुपा दिया और फिसल के से गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं चलता गया 1 किलोमीटर दूर, उसके बाद आया तो देखा लिफ्ट प्लीज हरा गया मेरा, मैं हेल्प कैसे मांगूंगा। फिर 1 किलोमीटर देखते देखते आया तो 1 किलोमीटर तक पीछे वापस आना पड़ा। वैसे 24 से 25 किलोमीटर का रास्ता है ना आलू का, तो वैसे मैं तो जा रहा था, सोचा कि देखते हैं कोई गाड़ी आ जाए तो लिफ्ट ले लेंगे, नहीं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। लेकिन भैया जी मिल गए, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाड़ी रोकने के लिए। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? मोनू शर्मा। कहाँ से आप? अरुणाचल से? अरुणाचल से। तो इन्हें भैया ने हमको लिफ्ट दे दिया आलू के लिए और मैं तो जा ही रहा था वापस, सोचा कि चले क्योंकि आगे तक रास्ते में खाने पीने के लिए और फिर हमारे पास भूख भी लगेगी तो फिर हम क्या खाएंगे, पैदल इतना वॉक नहीं कर सकते। तो अभी तो लिफ्ट मिल गई है लेकिन रास्ते बहुत बेकार हैं, 1 घंटे का रास्ता से 3 घंटे हो जाएगा ऐसे जाने जाने। तो चलो जैसे होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो भाई साहब ने मुझे उतार दिया है और मैं गेट बंद कर दिया हूँ। ओके ब्रदर, आप जा रहे हो अपने फ्रेंड्स को लाने? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। खाने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा ना? होटल नहीं है, दूर में भी नहीं है? दूर में भी नहीं है। अच्छा, मिलेगा आलू? आलू में मिलेगा, आलू जाना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ दे दो, फ्रिज वगैरह है? ठंडा में मिलेगा? ठंडा, हाँ ठंडा ही दो। ये फ्रिज है ना, ये फ्रिज इसको बोलते हैं, इसको दे दो ठंडा। अभी क्या जाएगा? आलू, आलू सर। पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ से, क्योंकि तो 1 घंटा हो गया कुछ खाया पिया नहीं, तो थोड़ा आराम करते हैं। और भैया जी बोले अगर वो रिटेन में आएंगे तो हमको ले लेंगे, पिक कर लेंगे, फिलहाल उनको छोड़ो, उनको जाने दो यार। वे गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ आलो, तो आलो में आ चुका हूँ लेकिन अभी पे मैं हूँ देखो कहाँ पे, लेकिन इसके बारे में मैं कल से बताऊँगा आप लोगों को कल मॉर्निंग में, कल की वीडियो में, कि मैं कहाँ पे हूँ कैसे हूँ। लेकिन फिर भी इतना बता देता हूँ कि मैं एक होटल जैसा मैं ले लिया हूँ और वो क्यों लिया हूँ वो चीज़ आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ क्लाइमेक्स रखते हैं, ठीक है, तो इसका पीछे का कुछ राज है, इसलिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताना चाहूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल फिर हम चलेंगे यहाँ से श्री मॉर्निंग मोड के हम DC ऑफिस आलू में और वहाँ पे हम बनवाएंगे ILP, उसके बाद हम निकलेंगे चाइना बॉर्डर इंडिया लास्ट विलेज जिसको हम बोलते हैं मिचुका। ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो हमारे साथ जुड़ जाओ और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो हमें।